वेलकम दोस्तों, मैं हूं लॉट सी एम एच और आप लोग देख रहे हैं लॉट सी एम एच गेमिंग। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं हूं बाथरूम में। हाँ, काफ़ी वियर्ड है, लेकिन जैसे कि आप लोग टाइटल पढ़ चुके होंगे, ये टाइटल है, ये बेसिकली वीडियो है अपार्टमेंट टूर का। हाँ जी, मैंने इस गेम का सबसे महंगा अपार्टमेंट परचेज किया है, जिसकी कॉस्ट है 1.1 मिलियन डॉलर, जो इसकी बेसिक कॉस्ट है। और इस अपार्टमेंट में मैंने एक और चीज़ की थी, जो इंटीरियर डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं। सो मैंने क्या किया कि पूरी गेम में जो सबसे महंगा इंटीरियर डिज़ाइन है, जो इस घर के साथ मिलता है, इसमें टोटल 6-7 ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैंने उनमें से एक्वा डिज़ाइन सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से अभी इस घर की टोटल कीमत है 1.5 मिलियन डॉलर्स। यस, इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं GTA 5 का सबसे महंगा घर। ये है इसका क्लोजेट, बाथरूम आप लोगों ने देखा है, ये बेडरूम है। टू बी ऑनेस्ट, 1.5 मिलियन के हिसाब से बेडरूम मेरे जैसे 150,000 वाला मैंने पहले घर दिखाया था वैसा ही है। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस घर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, वो है, हाँ जी, ये व्यू। ये जो आप देख रहे हैं GTA 5 लॉस सैंटोस जो सिटी है उसका व्यू। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये गेम बहुत बार खेली है एंड मैंने इतना प्यारा व्यू अभी तक नहीं देखा है। सो फॉर मी द बेस्ट थिंग इन दिस वन इज़ द व्यू। बाकी घर इज़ बेसिक, यू हैव द ड्राइंग रूम, यू हैव टीवी, दिस इज़ बेसिकली द ड्राइंग रूम आई मस्ट से, यस, एंड दिस इज़ द किचन। आप लोग कलर दे सकते हैं जो ब्लू एंड टाइल्स का वाइट वाला टाइप है, दिस इज़ बेसिकली एक्वा ब्लू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आग, फायर प्लेस जिसे आप कहते हैं, वो है नकली फायर प्लेस है, असली है ये नहीं पता ना, हम टेस्ट करने वाले हैं पास जाके। सो ये है हाइस्ट वाला रूम। हाइस्ट वाला रूम में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, बिकॉज़ जो मेरा पिछले घर का हाइस्ट रूम था वो भी सेम था। एंड एक और चीज़, पिछले वाले घर में गन्स थी, यहाँ वाली गन्स किसी ने मार ली हैं। सो मैं ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट करूँगा कि जो पिछले घर वाले थे उनका नंबर दें। रेस्ट पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, कलरिंग सब कुछ अच्छा है। सो दिस इज़ टू सम अप, ये है मोटा मोटा जो हमारा 1.5 मिलियन का घर खरीदा था। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, जो हर घर के खरीदने के साथ मिलता है, वो है गैराज। गैराज इज़ ठीक है, मतलब दे आप सब जानती हैं कि जब आप एक हाई एंड अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें 10 कार की स्पेसेस मिलती हैं। सेम इस घर के साथ भी था। ऐसा बात नहीं है कि आप सबसे महंगा घर लेंगे तो आपको कार स्पेसेस सबसे ज़्यादा मिलेंगी, कार स्पेसेस सेम थी, बट सिर्फ स्पेशल इस वीडियो के लिए मैंने अपनी जो सबसे फास्टेस्ट और महंगी कार्स थी, मैंने ट्राई किया उन लोगों को यहाँ पे लाने का। एंड ये मेरी सबसे फेवरेट कार है, जेंटोर्नो। मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन करवाया है, जो कलर चढ़वाया है, वो है प्योर गोल्ड का। वो कहते हैं ना, कभी कभी वो पैसे मेरे पास सारे नहीं हैं अभी, एक्चुअल में मेरे पास 17,000 डॉलर्स पड़े हैं, बिकॉज मैंने सारा इस अपार्टमेंट पे लगा दिया। लेकिन जब मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उस पर, मतलब आई डोंट सी इट, आई जस्ट स्पेंड। तो वही है, ये मेरी सबसे फास्टेस्ट कार है, X80 Pro। एंड इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारी सेकेंड कॉपी बैटमोबील, बैटमैन की गाड़ी। इसका नाम है विजिलेंटे। दिस ये अच्छी गाड़ी है, इसमें मिसाइल्स हैं, बूस्टर्स हैं, इट्स गुड। सो मेरे को लेना था, मैंने ले लिया। ये है इस गेम की लेजेंडरी कार, उड़ने वाली गाड़ी जो इस गेम ने एक ही बनाई है, वो है डिलक्सो। डिलक्सो बहुत सही है, डिलक्सो में भी मशीन गन है, डिलक्सो में मिसाइल्स हैं, बट डिलक्सो की स्पीड थोड़ी ठीक ठीक सी है। उड़ने में ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ उड़ती है, डिसेंट है, बट इट्स रियली गुड एंड मेरे को ये चाहिए थी। रेस्ट ये गाड़ियाँ हैं, कुछ तेज़ गाड़ियाँ हैं इनमें से, कुछ बेसिक्स बेसिक फास्ट कार्स हैं। सो यस, दिस इज़ द दीज आर द कार्स, मतलब जो मुझे आपको दिखानी थी। आई होप कि आप लोगों को ये टूर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि आप लोगों को लेना है या नहीं। बिकॉज़ मेरा बेसिक आइडिया इस वीडियो बनाने का यही था कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेगा, आई होप उन लोगों को आइडिया लगा होगा कि घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो यस, ओके गाइस, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस एन्जॉय करिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।